पेपर लीक तथा मार्कशीट घोटाले को पर्दाफाश करने वाले वैसे युवा नेता युवराज सिंह की गलत केस में फंसाने के साथ गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आज वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा आवेदन पत्र देने के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। पेपर लीक तथा मार्कशीट घोटाले को उजागर करने वाले युवा नेता युवराज सिंह की गलत केस में शामिली होने का ठहराते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही करने के विरोध में आज वडोदरा शहर आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित आवेदन पत्र कलेक्टर कचेरी में देते हुए धरना सूत्रोच्चार लगाए गए। गुजरात राज्य में भाजपा द्वारा बार बार पेपर लीक कांड तथा मार्कशीट घोटाला बाहर प्रदर्शित करने वाले वैसे युवा नेता युवराज सिंह की फिलहाल सरकार द्वारा गलत केस में फंसाते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई है, जो ये गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आज समग्र गुजरात भर में वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री को रजूआत करते हुए विविध जिला में आवेदन पत्र देने का आयोजन किया है, जिसके तहत वडोदरा शहर में भी आम आदमी पार्टी द्वारा कलेक्टर कचेरी में सूत्रोच्चार तथा प्ले कार्ड के साथ मोर्चा निकालते हुए आवेदन पत्र लिया गया, जिसमें भाजपा के खिलाफ सूत्रोच्चार लगाते हुए युवराज सिंह की गलत केस में शामिल दर्शाते हुए गिरफ्तारी तथा उसके तमाम केस वापस लेने के साथ सत्यता बाहर लाने के साथ दोषियों को सजा करने की मांग की गई थी। वडोदरा शहर आम आदमी पार्टी तरफ थी अने आखा गुजरात में पण दरेक शहर जिल्ला में आज कलेक्टर श्री ने युवराज सिंह ने जे रीते खोटा केस में संडोवी अने अंदर करवामां आया छे एनु आवेदन पत्र आपवामां आया छे। अमारी मांगणी छे के ज्यारे ज्यारे सरकारना नेताओनी नीचे रेला आवे छे त्यारे युवराज सिंह जेवा लड़ायक विसल ब्लोअर ने अंदर नाखी खोटा केसो करी अने पोताना मळतियाओने बचावाना जे प्रयासो थई रह्या छे तो आ निर्दोष अने जे सखत रीते युवानो माटे हर हंमेश लड़ता युवराज सिंहना जे ऊपर खोटा केस थया छे ए तात्कालिक અસરથી પાછા ખેંચવામાં આવે, જો આમ નહીં કરવામાં આવે તો આમ આદમી પાર્ટી આગળ પણ ઉગ્ર આંદોલનો માટે તૈયાર છે, કારણ કે આ સવાલ યુવાનોનો છે, આ સવાલ દેશમાંથી ભ્રષ્ટાચાર નીકાળવાનો છે, આ સવાલ સરકારની ખોટી નીતિઓનો છે, આ સવાલ તાનાશાહીને દૂર કરવાનો છે અને એના માટે આમ આદમી પાર્ટીએ પોતાની જાન આપવી પડશે તો દરેક કાર્યકર્તા તૈયાર છે।